औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। लास्ट लेक्चर में हम PHP फॉर्म्स हम पढ़ रहे थे और आज हम पढ़ेंगे PHP फंक्शंस। तो PHP फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे आप उसको यूज़ करते हैं। अ फंक्शन इज़ अ सेट ऑफ कोड्स विच आर यूज्ड टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क, कि आप उसके क्या हैं स्पेसिफिक टास्क को सॉल्व करने के लिए फंक्शंस को यूज़ करते हैं। इट्स मेन एडवांटेज इज रीयूजबिलिटी इंसेड ऑफ डिफाइनिंग अ कोड रिपीटेडली, कि आप इसका फ़ायदा क्या है कि आपको एक फंक्शन है वो आपने बार बार अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है, तो बजाय कि आप उसको दोबारा दोबारा राइट डाउन करें, यू हैव टू डिफाइन अ फंक्शन देन यू विल यूज इन सेवरल प्लेसेस द सेम फंक्शन नेम एंड देन यू कैन यूज दैट। द फंक्शन विल नॉट एग्जीक्यूट डायरेक्टली व्हेन द प्रोग्राम लोड्स, वी नीड टू कॉल अ फंक्शन। क्या है कि फंक्शन बिल्कुल डायरेक्ट क्या है जब आप बनाते हैं तो वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, यू हैव टू कॉल देम, कि आपको उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा जहाँ आपने उसको यूज करना है। There are two types of functions available in PHP, built-in function, user-defined functions. The real power of PHP is its functions. आपकी PHP की जो real power है वो उसके functions हैं। PHP has more than 1000 built-in functions. PHP के क्या हैं 1000 से ज़्यादा उसके अपने built-in functions हैं। They can be invoked directly. आप उसको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। यूज़र डिफाइन फंक्शंस, वी कैन आल्सो क्रिएट आवर ओन फंक्शंस, वी विल डिस्कस अबाउट द क्रिएशन ऑफ आवर फंक्शन इन नेक्स्ट स्लाइड। मिसाल के तौर पर PHP फंक्शन का सेंटेक्स कैसे होगा, फंक्शन फंक्शन नेम सेट ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, फंक्शन नेम लिखेंगे, स्मॉल पैरेंथेसिस लगाएंगे, फिर आपकी दरमियान वाली पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे, फिर आप उसको कोड को लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, सिंटैक्स टू कॉल अ फंक्शन, फंक्शन नेम और आप उसके साथ सेमी कॉलन यूज करेंगे। ये आपका क्या है बेसिक आपका कोडिंग स्ट्रक्चर है, जो आप सी में यूज़ करें, आप ऊप में यूज़ करते हैं, तो ये सारा बेसिक आपका है कि जिसमें आप उसको सिंपली आप उससे कॉल कर सकते हैं, फंक्शन नेम पैरेंथेसिस और सेमी कॉलन। रूल्स फॉलो व्हाइल द नेम इज फंक्शन, जब आप फंक्शन कर रहे हैं तो किन किन रूल्स को आपने फॉलो करना है। फंक्शन मीन्स आर नॉट केस सेंसिटिव, कि वो केस सेंसिटिव नहीं होते, नेम जैसे आप मर्जी उसको लिख सकते हैं। फंक्शन नेम स्टार्ट विद लेटर और अंडरस्कोर, आप अंडरस्कोर से भी शुरू कर सकते हैं, किसी लेटर से भी। फंक्शन नेम कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर, दिस इज द एक्सेप्शन कि आप उसको नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। PHP रिटर्न वैल्यू, फंक्शन कैन रिटर्न अ वैल्यू, इट विल रिटर्न वन वैल्यू और मोर देन वन वैल्यू यूजिंग अरे, कि फंक्शन जो है वो वैल्यू रिटर्न कर सकता है और उसमें क्या है एरे को यूज़ करके आप मोर देन वन वैल्यू भी आपको रिटर्न कर सकता है। इट रिटर्न दी यूजिंग रिटर्न कीबोर्ड, रिटर्न स्टेटमेंट फॉर फंक्शन, इट विल स्टॉप एग्जीक्यूशन, सेंड वैल्यू टू द कॉल बैक फंक्शन, आप उसमें कॉल बैक फंक्शन भी लगा सकते हैं कि उसको रिटर्न आपको वो रिस्पॉन्स जब आप देते हैं तो यूज़र को आप उसको रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं। फंक्शन पैरामीटर्स, फंक्शन पैरामीटर्स क्या होते हैं, फंक्शन पैरामीटर्स आर द वेरिएबल्स पासेस टू द फंक्शन इन साइड द पैरेंथेसिस। फंक्शन क्या है, उसके पैरामीटर्स के जो वेरिएबल आप उसके अंदर पैरेंथेसिस में पास करते हैं, दे आर डिक्लेयर्ड मच लाइक अ टिपिकल वेरिएबल वुड बी, उसको कैसे आप डिक्लेयर कर सकते हैं, नीचे उसने एग्जाम्पल में बताया हुआ है। आपकी लेफ्ट लेस देन वाली, आपका साइन, आपका इंटरोगेटिव साइन, आपका PHP, फिर आप नीचे उसने क्या बताया है कि कमेंट को यूज़ किया है, मल्टीप्लाई योर वैल्यू बाय 10 एंड रिटर्न इट टू द कॉलर, कि आपकी जो वैल्यू दे उसको 10 से मल्टीप्लाई करें और जो उसको कॉल कर रहा है उसको वापस रिटर्न करें वैल्यू। फंक्शन मल्टीप्लाई, फंक्शन वैल्यू आपने जैसे ऊपर लिखा देखा कि इसको कैसे आपने डिफाइन करना है, लिटिल पैरेंथेसिस में उसको लिखा, फिर उसके बाद आपकी दरमियान वाली पैरेंथेसिस स्टार्ट हुई, डॉलर साइन वैल्यू, अब मैंने बताया था कि उसमें फंक्शन को डिफाइन करने के लिए डॉलर साइन को यूज़ करते हैं, इज़ इक्वल टू
द वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 10, कि उस वैल्यू में वो वैल्यू स्टोर हो जो उस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई 10 से हुई हुई रिटर्न वैल्यू। तो अब क्या है, रिट्रीवल इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 10, प्रिंट रिटर्न वैल्यू इज इक्वल टू डॉलर रिट्रीव वैल्यू। अब जो अब आपने मल्टीप्लाई 10 किया था उसको आपने क्या है रिट्रीवल डॉलर साइन, उसमें एक फंक्शन में क्या कहते हैं आपके वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, और जब आपने प्रिंट आउट करवाया तो उस डॉलर साइन के साथ उसका नेम वहाँ आपने लिखा, तो वहाँ उसकी वैल्यू क्या है। जैसे ये सिंपल एक फंक्शन जैसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं तो वही है, आप PHP में ये फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट इसमें क्या है, एप्लीकेशन कैन बी ऑफ एनी टाइप, वेब बेस्ड एप्लीकेशन, विंडो बेस्ड एप्लीकेशन, इस यूज पे ऑब्जेक्ट मॉडल स्ट्रक्चर, उस ऑब्जेक्ट मॉडल स्ट्रक्चर को भी यूज़ करके आप कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, इजी टू मेंटेन, गुड लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। ये तो है कि आपको जब फंक्शन आप यूज बना लेते हैं तो आप उसको फर्दर फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं, आप डिफरेंट एरियाज में उसको यूज़ कर सकते हैं। इसको हम क्लासेज यूज़ कर सकते हैं, इसको क्लास को डिक्लेयर कैसे करना है, क्लास क्लास नेम, वेरिएबल वन, वेरिएबल टू, जैसे आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऊप में आप उसकी क्लासेस को डिक्लेयर करते थे, आप यहाँ भी उसकी क्लासेस को डिक्लेयर कर सकते हैं। क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स इन PHP, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज प्रॉपर्टीज कॉल्ड मेंबर वेरिएबल्स एंड बिहेवियर्स आर कॉल्ड मेंबर फंक्शंस। वंस वी डिफाइन आवर क्लास देन वी क्रिएट एंड मैनी ऑब्जेक्ट्स यूजेस द न्यू ऑपरेटर। नए ऑब्जेक्ट्स के साथ आप नई चीज़ें डिफाइन करवा सकते हैं, सेंटेंस ऑब्जेक्ट नेम, न्यू क्लास नेम, के क्लास में जाके कोई आप फिर आगे नेक्स्ट क्या है, कोई क्लास आप क्रिएट करवाना चाहते हैं तो उसको ऑब्जेक्ट के नाम से आप उसको डिक्लेयर करवा के आप फर्दर उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल दी, डॉलर हीरोज इक्वल टू न्यू पेन, डॉलर रेनोल्ड इक्वल टू न्यू पेन, जैसे मतलब कोई न्यू पेन की कोई क्लास उसने या कुछ फंक्शन जो उसने ऑब्जेक्ट जो उसने करवाया है डिक्लेयर करवाया है। कॉलिंग मेंबर फंक्शन, उसको आप कॉल कैसे करते हैं जब आप इसकी वैल्यू असाइन की हुई है, जैसे डॉलर हीरो सेट प्राइस 100, असाइन वैल्यू 100 टू प्राइस वेरिएबल, कि आप उसको क्या है उसकी वैल्यू को 100 असाइन कर दें, कलर ग्रीन असाइन कर दें, इसकी सेट टाइप इंक पेन कर दें। तो ये आप डिफरेंट उसके कॉलिंग मेंबर फंक्शन में क्या है उसकी डिफरेंट चीज़ें उस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उस पर परफॉर्म करवा सकते हैं। तो उसके बाद कंस्ट्रक्टर फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं, इनहेरिटेंस यूज़ कर सकते हैं। दिज आर ऑल दी कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो आपने पढ़ी हुई है, उन प्रोजेक्ट्स को उन कंसेप्ट को आप यहाँ डॉलर साइन के साथ PHP के सिंटैक्स के साथ आप इनको यूज़ करके यहाँ कॉल करके आप उसको रिपीटेडली क्या है उसको अपने PHP के कोर्स में यूज़ कर सकते हैं। और ये इसका फ़ायदा क्या होता है, जैसे उसने इसमें पहले बताया है कि इसका फ़ायदा यही है कि आपको बार बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे वहाँ भी आप जब ऊप यूज़ कर रहे थे तो आपको वहाँ बार बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती थी, जब आप फंक्शन डिक्लेयर कर लेते थे, क्लास डिक्लेयर कर लेते थे, उसमें ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर कर लेते थे और उनको फिर जहाँ मुनासिब वक्त पर ज़रूरत होती थी वहाँ उसको आप कॉल कर लेते थे। फंक्शन ओवरराइडिंग इज़ अ नथिंग बट ओवरराइडिंग इज़ अ फंक्शन ऑफ पेरेंट क्लास टू चाइल्ड क्लास एंड मॉडिफाई दोज फंक्शन। का पेरेंट क्लास से कोई चाइल्ड क्लास में आप जा रहे हैं तो आप उसमें जब डाटा को रिप्लेस करते हैं तो आपका क्या है ओवरराइड हो जाता है। यूजिंग ओवरराइडिंग वी कैन अल्टर फंक्शन डेफिनेशन एंड चाइल्ड। ओवरराइड यही होता है ना कि मतलब आप उसको अल्टर कर दें, तब्दील कर दें, जो पहले चीज़ पड़ी हुई है उसको उस पर कोई नई चीज़ ओवरराइड कर दें। तो ओवरराइडिंग के आप फंक्शन देखेंगे, एक्सेस मॉडिफायर्स के देखेंगे, फाइनल कीवर्ड्स हैं, फाइनल क्लास, उसके बाद जो आपके इसमें फंक्शन प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक, ये एक्सेस मॉडिफायर नथिंग बट लेवल टू एक्सेस विजिबिलिटी ऑफ मेंबर वेरिएबल एंड मेंबर फंक्शन, कि उसके मेंबर्स के वेरिएबल जो हैं उसकी एक्सेसिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, क्या वो यूज़र पब्लिक को एक्सेस होनी चाहिए या को प्राइवेट होनी चाहिए या प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। जैसे आप इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये कंसेप्ट यूज़ करते हैं उसी तरह आप वी कैन यूज़ दिस एक्सेस मॉडिफायर टू शो और हाइड डाटा, कि आप उसको डाटा को शो करने के लिए या उसको हाइड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें फाइनल कीवर्ड क्या है, फाइनल पब्लिक फंक्शन, फंक्शन नेम, और इसमें फाइनल इफ़ वी डिफाइन द क्लास फाइनल देन वी कैन नॉट एक्सटेंड द क्लास। जब कोई क्लास आपने बनाई है और उसका कोई फाइनल फंक्शन आपने डिक्लेयर कर दिया है या उसको आपने उसमें लिख दिया है तो उसके बाद आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते।
इफ वी डिक्लेयर द मेथड एज फाइनल वी कैन नॉट ओवर राइड द मेथड, जब आप उस फाइनल कर दें तो आप उसको ओवर राइड भी नहीं कर सकते। तो ये थे कि अब ऊप्स के कंसेप्ट क्या है, किस हद तक इसमें यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हम क्लास में डेटाबेस देखेंगे कि उसको हम लिंक कैसे करते हैं, इसको कनेक्शन कैसे करते हैं, क्योंकि ये बैकएंड प्रोसेसिंग है पीएचपी की, तो उसमें आप ये देखेंगे कि डाटा उसमें किस नोयत से किस तरह सेव होता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।